देखिए यहाँ पे जूते चप्पल रखे जाते हैं, काफ़ी सुंदर यह मंदिर बनाया है। रक्त काली चौसठ योगिनी धाम सहरसा का एक पर्यटन स्थल। देखिए यह मंदिर बहुत पहले निर्मित हुआ था और आप सभी को इस मंदिर में बहुत सारे देवी देवताओं की प्रतिमा मिल जाएंगे। एक ही साथ बहुत सारे देवी देवताओं के यहाँ पे आपको प्रतिमा मिल जाएंगी देखने के लिए। और सुंदर यहाँ की बगीचे भी सुंदर हैं, काफ़ी अच्छे से निर्मित किए गए हैं, पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छी जगह है। ये देखिए गेट के बाहर का दृश्य है आपको। श्री रक्त काली चौंसठ योगिनी मंदिर मत्स्यगंधा सहरसा। यहाँ काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए हैं, दुकान लगे हैं बाहर, मिठाई के दुकान है, खिलौने की दुकान है, आइसक्रीम के सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे। बहुत ही सुंदर जगह, चप्पल जूते रखने के भी जगह है, फ़ोटो भी यहाँ पे मिल जाते हैं, ऑटो की अवेलेबल ना, ऑटो भी यहाँ पे सुविधा है आने के लिए, काफ़ी सुंदर जगह। देखिए ये प्रसादी है चढ़ाने के लिए, आप यहाँ से प्रसादी लेकर माता को चढ़ा सकते हैं, माता की पूजा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का। अब चलिए अंदर आपको ले चलते हैं। ये देखिए माता का मंदिर, अभी सुंदर सा दृश्य है ये। आपको यहाँ पे बाबा संत लक्ष्मीनाथ गोसाई का ये सामने में मंदिर बनाया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं त्रिभुजाकार प्रिज्म की आकृति का, ये 64 योगिनी कल्याणी मैया का यहाँ मंदिर है। इसमें बहुत सारे प्रतिमाएं एक साथ लगी हुई है, आप इसके अंदर जाके देख सकते हैं, काफ़ी भव्य है देखने के लिए। सामने में आपको पहाड़ सी बनाई गई है, बीना दी गई है और उसके अंदर माँ सरस्वती की प्रतिमा रखी हुई है। और सामने में कृष्ण राधे का मंदिर है, यहाँ पे शादी विवाह भी हुआ करते हैं, तो आप आ सकते हैं। यह जगह शादी विवाह के लिए भी काफ़ी सुंदर सा जगह है, मंदिर से विवाह करने के लिए भी एक अच्छा सा जगह है सहरसा में। और ये माता का मंदिर, माँ काली माँ का मंदिर है, जिसकी प्रतिमा कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली से हूबहू मिलती है। काफ़ी सुंदर सा यह दृश्य, यहाँ बगीचा देख सकते हैं, इसमें कमल के फूल में बना हुआ एक ना फाउंटेन है, काफ़ी सुंदर सा दृश्य है ये। आपको सामने में बाबा कारू का दिख रहा होगा प्रतिमा, ये भी प्रसिद्ध बाबा हैं जिन्होंने भोलेनाथ की दर्शन करी और सहरसा को गौरवान्वित किया। सहरसा एक देवनगरी है, आध्यात्मिक नगरी है, यहाँ पे स्वयं भगवान अवतरित होकर अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं। काफ़ी सुंदर सहरसा की नगरी, आध्यात्मिक नगरी है, यहाँ जरूर घूमने आना चाहिए सभी को। तुम्हें को दिए थे ये देखिए, काफ़ी सुंदर बगीचे हैं इनके, ये ओक ट्रीज लगाई गई है और काफ़ी गुलाब के अलग अलग, गेंदे के फूल, अलग अलग सजावटी फूलों से यहाँ पे सजाया गया है इस मंदिर को। बहुत ही सुंदर सा मंदिर, सहरसा का पर्यटन का एक भव्य, बहुत ही उत्तम जगह आप मान सकते हैं, काफ़ी सुंदर सा जगह है यह मत्स्यगंधा माँ रक्त काली चौसठ योगिनी धाम में।
चलिए आगे ले चलते हैं, आपको माता का दर्शन करवाते हैं। जय माता दी। ये सामने में आपको मंदिर, अभी फिलहाल मंदिर का प्रांगण बंद है, इसके खुलने के समय होते हैं। यहाँ पे बैठ के काफ़ी सारे लोग पूजा पाठ भक्ति आदि किया करते हैं। काफ़ी सुंदर यह दृश्य है। और इस मंदिर के गेट के सामने या रामकृष्ण परमहंस जी महाराज हैं, जो माँ काली के परम भक्त थे। इनके बारे में कौन नहीं जानता, ये परम भक्त माँ काली के। इनके बिना तो माँ काली की पूजा अधूरी मानी जाती है, तो इन्हें भी हमें प्रणाम करना चाहिए। ये दृश्य देखिए, कितने सुंदर दृश्य हैं। ये मंदिर वास्तु कला का एक भव्य उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी सुंदर नज़ारा है। ये भगवान शिव का प्रतिमा है, यहाँ भी लोग पूजा करते हैं। काफ़ी सुंदर प्रतिमा बनाई गई है, पूरे आध्यात्मिक पर्यावरण के साथ। यहाँ पे आप अपने आप को मुग्ध कर पाइएगा, काफ़ी सुंदर दृश्य आपको मिलेंगे। जय हो बाबा भोलेनाथ। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ दर्शन करते हैं, आनंद उठाते हैं। काफ़ी सुंदर सा जगह, यहाँ पंडित जी पूजा पाठ करवाते हैं, माता की भक्ति में लगे रहते हैं। काफ़ी सुंदर यह जगह। ये वामा छेपा की, बाबा मामा छेपा की मंदिर है, यहाँ भी लोग पूजा करते हैं। काफ़ी सुंदर इनका मंदिर। चलिए आपको ले चलते हैं बाबा कारू के पास। इनकी यह प्रतिमा का प्रतिबिंब आपको नेट से भी मिल जाएंगी। काफ़ी इनके बारे में चर्चाएं हुआ करती है। ये भोले बाबा के परम भक्त हैं और इन्हें भोले बाबा नचुकेश्वर धाम में दर्शन दिए थे। काफ़ी सुंदर इनकी प्रतिमा बनाई गई है। मात्र 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने भोले बाबा की दर्शन की थी और भोले बाबा से सिद्धि प्राप्त करके सहरसा का नाम पूरे जग में किया, बाबा कारू। देखिए दोनों ओर आपको इनकी गायें दिख रही है, ये बचपन में गाय चराया करते थे और बाबा के दर्शन के लिए कांवड़ लेके गए थे, और वहीं पर बाबा को प्राप्त करने की इच्छा के कारण अपने आप को बाबा में समर्पित कर बाबा के दर्शन प्राप्त किए। ये एक ऐसा संत है जिन्होंने इतने कम उम्र में भोलेनाथ के दर्शन किए और लोगों को ईश्वर के बारे में बताया कि ईश्वर होते हैं, और इसलिए उनकी पूजा भी की जाती है। काफ़ी सुंदर प्रतिमा के साथ अब इनके मंदिर में आपको ले चलते हैं। अभी मंदिर का गेट बंद है, यहाँ पे कारू बाबा और इनके छोटे अनुज भाई की प्रतिमा लगी हुई है इस मंदिर में। आप दर्शन आके कर सकते हैं, वो सारे श्रद्धालु गण आते हैं यहाँ पे। अभी फ़िलहाल गेट बंद है।
दिव्यांश, दिव्यांश चाचा ये वो बिल्ली को पाल रहे थे ना। ये वो बिल्ली हो छे देखिए कितनी सुंदर बगीचाएं लगी हुई है, काफी सुंदर सा दृश्य है, बहुत ही शांति अनुभव होती है यहाँ पे आके, सुकून सा लगता है, मन शांत हो जाता है, चंचलता दूर हो जाती है, काफी सुंदर सा जगह है। यह सामने में मंदिर है, माता का मंदिर है, माँ दुर्गे का, और इस सामने में जो आपको हस्त की प्रतिमा दिख रही है, ये पृथ्वी माता को इंगित कर रहा है, और ये सामने में भोलेनाथ का मंदिर है जो अभी फिलहाल बंद है, काफी सुंदर सा यह मंदिर है। सुबह और शाम के समय में इसके गेट खुलते हैं और दोपहर में बंद हो जाती है। काफी सुंदर देखिए कितना सुंदर नजारा है इस मत्स्यगंधा मंदिर का, वो सारे लोग यहाँ पे आके फोटो भी खिंचवाते हैं, काफी सुंदर सा जगह है। आपको चलिए ले चलते हैं एक पोखर में जो पीछे में बनाई गई है, इसके अंदर भी भोलेनाथ की प्रतिमा बनाई गई है, लेकिन पोखर फिलहाल अभी अच्छी स्थिति में नहीं है, पानी सूखी हुई है, देख सकते हैं आप पानी सूखी हुई है, लेकिन आसपास के चारों तरफ के हरियाली से देखकर मन खुश हो जाता है। और ये सामने में एक गृह बना हुआ है जहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग आते हैं इस मंदिर में, जो भी चीज़ें आपको व्यवस्था करनी होती है, शादी विवाह से लेकर हर चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है, सुविधाएं काफ़ी सुंदर सा जगह। और ये आपका पीपल का वृक्ष है जिनकी लोग पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करना हमारे लिए हमारा धर्म भी है और कर्तव्य भी है कि हम लोग प्रकृति का संरक्षण करें। यह एक उदाहरण मात्र है जिससे हमारे मन में एक भावना जगती है प्रकृति की रक्षा करने की, और प्रकृति है तभी तो सुंदरता है, इसलिए इनकी सुंदरता को बरकरार रखना चाहिए, इनकी रक्षा करनी चाहिए। ये देखिए मंदिर काफ़ी सुंदर लगेगा आपको, ये बाबा संकट मोचन हनुमान मंदिर का निर्माण किया गया है, काफी सुंदर ये प्रतिमा बनाई गई है, काफी सुंदर है। देखिए हनुमान मंदिर, जय बाबा। एक मंडप बनाया गया है जहाँ पे लोग शादी विवाह करते हैं, मंदिर से जिसको शादी विवाह करना होता है इसी मंडप पर उनकी शादी होती है, ये भी बहुत ही अच्छा देखने को लग रहा है। चलिए आगे ले चलते हैं आपको, ये कृष्ण की मंदिर है, देख लीजिए कितनी सुंदर मंदिर है, राधे कृष्ण की मंदिर। अभी फिलहाल हर एक मंदिर का गेट बंद है, आपको भोले बाबा का दर्शन करवाते हैं यहाँ पे, काफी सुंदर है ये भोलेनाथ, जय बाबा।
ये देखिए पहाड़ कितना सुंदर बनाया गया है, ये निर्मित मानव निर्मित का पहाड़ का एक कलाकृति है जो वीणा के साथ है। काफ़ी भव्य लग रहा है देखने में। इसके अंदर माँ सरस्वती स्वयं विराजमान है। काफ़ी सुंदर सा यह दृश्य मन को मोहित करने वाला यह दृश्य। यहाँ पे माँ लक्ष्मी का मंदिर है, ये सामने में जो आपको दिख रही है माँ लक्ष्मी का मंदिर, और सामने में कुआं दिख रहा है, काफ़ी सुंदर है। और नीचे में एक शिलालेख है जहाँ आपको दिख रहा होगा रक्तकाली 64 योगिनी धाम सहरसा श्री तेज नारायण लाल दास द्वारा जन सहयोग से निर्मित यह है। काफ़ी सुंदर, बहुत सुंदर सा नज़ारा आपको देखने को मिलेंगे। ले चलते हैं कुआं के पानी को दिखाते हैं कैसा है कुआं का पानी। उतनी साफ नहीं है फिर भी, और पहाड़ पे ले चलते हैं आपको। पहाड़ पर चलते हैं नीचे आपको, माँ सरस्वती का आपको दर्शन करवाते हैं। काफ़ी सुंदर है माँ सरस्वती का भी यहाँ पे मंदिर। ये प्रतिमाएं भी काफ़ी अच्छी है माँ सरस्वती जय माँ का भी। तो देख सकते हैं माँ सरस्वती का कितना अच्छा प्रतिमा बनाया गया है, मन को मोहित करने वाला यह प्रतिमा। मन में माँ सरस्वती का प्रतिबिंब बसा देता है। ये काफ़ी सुंदर सा प्रतिमा इसे बिना के अंदर बनाया गया। इसके पीछे के दृश्य को आपको दिखाते हैं, काफ़ी सुंदर सा दृश्य है। ये देखिए कि पीछे में जेल के लंबी ऊंची दीवार है, आपको दिख रहा होगा ये जेल के दीवार लंबी है काफ़ी ऊंची दीवार है। यहाँ से आपको सहरसा के जेल का कुछ बाहरी आपको आवरण का पता चल सकता है कि सहरसा की जेल कैसे है। और पीछे में ये बहुत सारे पौधे लगाए हैं, पेड़ लगाए हैं, काफ़ी सुंदर मन को शांत करने वाली नज़ारा है, काफ़ी सुंदर लग। आप सभी को ज़रूर आना चाहिए यह सहरसा के मत्स्यगंधा मंदिर में घूमने के लिए। देखिए कितने सुंदर नज़ारे हैं। मंदिर नीचे बहुत सारे लोग श्रद्धालु लोग आए पर्यटन, काफी सुंदर